दिल्ली रोड पर पागबड़ा में वाक़े ख्वाजा फिलिंग स्टेशन पर पहुंचे कार्यकारी निदेशक विनय कुमार मिश्र का सर्वो आयल टीम द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया एवं कंपनी के पदाधिकारियों का सर्वो आयल टीम द्वारा मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। बताते चलें कि इंडियन आयल सर्वो कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के लिए समय समय पर कल्याणकारी कार्यों को किया जाता है, साथ ही अपने ग्राहकों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी उद्देश्य को लेकर आज पागबड़ा पहुंचे सर्वो इंडियन आयल उत्तर प्रदेश राज्य कार्यालय द्वितीय के कार्यकारी निदेशक विनय कुमार मिश्र द्वारा नाइट्रोजन इंसुलेटर का फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया गया। नाइट्रोजन गैस इंसुलेशन सिस्टम का शुभारम्भ करने से पूर्व इंडियन ऑयल कंपनी के सदस्यों द्वारा उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने गुब्बारे हवा में उड़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया व मुरादाबाद की जनता का आभार व्यक्त किया। कार्यकारी निदेशक विनय कुमार मिश्र द्वारा बताया गया कि नाइट्रोजन इंसुलेटर सुविधा मुरादाबाद में शुरू की जा रही है और ये सुविधा स्मार्ट सिटी के सभी पेट्रोल पंपों पर जल्द शुरू करने जा रहे हैं। आज पागबड़ा में उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नाइट्रोजन गैस ऐसी गैस है, अगर इसको मोटरसाइकिल, मोटरकार, बस व ट्रक के टायरों में डाला जाए तो टायर ना तो गर्म होंगे और ना उनके फटने का खतरा होगा, साथ ही दुर्घटना भी नहीं होती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कंपनी के आला अधिकारियों द्वारा कहा गया ग्राहक सेवा की दिशा में हम लोगों ने एक कदम और बढ़ाया है, जैसे कि मुरादाबाद जो स्मार्ट शहर है, हमारे सभी स्मार्ट सिटी के सभी रिटेल आउटलेट्स को नाइट्रोजन एयर की सुविधा मुफ्त दी जाएगी। लेकिन हमारी बहुत ही अच्छी सुविधा है, उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ ही साथ मेरे जो NH24 के मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आने वाले जो NH24 के लीडर हैं, वहाँ हमारे रिटेल आउटलेट्स हैं, वहाँ पर भी नाइट्रोजन की सुविधा मुफ्त में दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो डीलर्स हैं इस सुविधा को प्रमोट करें, क्योंकि ये सही मायनों में एक सुविधा है जो न केवल गाड़ियों की टायर की जो टायर लाइफ है बढ़ाता है, साथ ही साथ सुरक्षा भी मुहैया कराता है, क्योंकि आज जैसे एक्सप्रेस वेज आ रहे हैं, गाड़ियाँ काफ़ी टॉप स्पीड में चलती हैं। बाजार फिलिंग स्टेशन कांट फिलिंग स्टेशन, ये दोनों कांट की तरफ हैं, और एक NH24 जो दिल्ली मुरादाबाद हाईवे है वहाँ सुहानी फिलिंग स्टेशन, इन तीन पंपों पर CNG की सुविधा आज ED साहब उसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही आपने देखा कि सर्वो एक्सप्रेस की सुविधा भी शुरू की गई है, जो अभी ED साहब ने उद्घाटन किया। और एक तीसरी बहुत महत्वपूर्ण सुविधा है, वो है मुरादाबाद शहर और NH24 के सभी पंपों पर नाइट्रोजन की सुविधा। तो आपको सबको पता है कि नाइट्रोजन एक ठंडी गैस है, और जो भी आजकल एक्सीडेंट्स होते हैं कई बार टायर फटने से, तो नाइट्रोजन के होने से टायर फटने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो मैं विनोद पंचाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्मल वेलकम करें हमारे गेस्ट। कार्यक्रम के आखिर में कंपनी के कार्यकारी निदेशक विनय कुमार मिश्र से बात की गई, तब उन्होंने बताया कोई नई बात आप सभी जानते हैं, लेकिन जानने का जो आज का जो एक खुशी की बात है कि मुरादाबाद में एक साथ तीन चीज़ें हम यहाँ दे रहे हैं। CNG पेट्रोल डीजल का एक बहुत जमाना चला, लगभग 100 साल तक एक फ्यूल रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये निश्चित है। दो कारणों से, एक पर्यावरण की दृष्टि से एक सरकार का पुश है, अवेलेबिलिटी है नेचुरल गैस की, अलग से अवेलेबिलिटी है, पेट्रोल डीजल के साधन सीमित हैं, गैस एक अवेलेबल वो है। दूसरा, जिसके वजह से सरकार इसको प्रमोट कर रही है या पर्यावरणविद जो हम कहते हैं एनवायरमेंटलिस्ट कर रहे हैं, तो वो है कि इसका पोल्यूशन कम है। वो बात अलग है कि आज हमारा जो BS6 डीजल जो लगभग NCR में आ चुका है, मुरादाबाद तो भी नहीं आया, मार्च अगले वर्ष तक, पहले अप्रैल का टारगेट था, अब हम लोग मार्च में एक महीने हमने एडवांस किया है पूरे हिंदुस्तान में, जो हम कहते हैं तो पूरा हिंदुस्तान इंक्लूडिंग मुरादाबाद में हो सकता है दिसंबर के आसपास हम BS6 की सप्लाई भी शुरू करेंगे, बट दैट विल बी अनऑफिशियली इन द सेंस कि हम BS6 का बिलिंग नहीं करेंगे,
बट हम जल्दी ट्रायल बेसिस पर शुरू कर देंगे। फ्लशिंग होगा, टेस्टिंग होगा, उसका प्रक्रिया है, हम आपको देना शुरू करेंगे। दो लोड के बाद आपका सैंपल लिया जाएगा, अगर वो पास नहीं होता है तो फिर आपको फ्लश करना पड़ेगा, तो वो एक हमको सर्टिफाई करना है। तो जल्दी ही एज ए कस्टमर विल स्टार्ट गेटिंग BS6 समवेयर इन दिसंबर और जनवरी, तो वो एक बड़ा कदम होगा। गैस ऑलरेडी कुछ पंपों पर थी, 3 आज हम और चालू कर रहे हैं, गेल जो हमारे पार्टनर हैं उनके साथ में, और नाइट्रोजन लगता है कि लोगों को थोड़ा इस बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है कि नाइट्रोजन और जो हम सादा हवा है, नाइट्रोजन भी हवा ही है एक तरह से, गैस है और ये हवा भी गैस है एक तरह से, कोई बहुत फर्क नहीं है। फ़र्क सिंपल जो है वो सबको पता होना चाहिए, और आप कस्टमर स्पेशली जो मेरे पीछे भाई बैठे हुए हैं, एक सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि नाइट्रोजन में अगर आप चलाते हैं हाईवे पर, स्पेशली जो आपने सुना होगा एक बहुत देश का सबसे बड़ा और सबसे बदनाम हाईवे है आगरा से नोएडा तक जो आता है, वहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं, स्पेशली अप्रैल मई जून में गाड़ियों के टायर फटते हैं। वो क्यों फटते हैं कि RCC की सड़क है, टायर हमारे जैसे आदत होती है, हम लोग 40,000 रुपये बदलते नहीं है, ठीक है चल रहा है, उसके बाद भी हम रिट्रीट करा लेते हैं कई बार टैक्सियों में और गाड़ियों में, तो कुल मिलाकर टायर उतने अच्छे होते नहीं हैं, और जब अंदर एयर होती है तो टायर गर्म भी होता है। आप उसी टायर के अंदर जब आप नाइट्रोजन भरते हैं तो इसमें इनर्ट गैसेज नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती, तो ये उसी स्पीड पर आप एक हवा भर के टायर चलाइए और नाइट्रोजन भर के चलाइए, ये काफ़ी ठंडा रहेगा, गर्म नहीं होगा, गर्म नहीं होगा तो जो बता रहे थे टायर फटता नहीं है, तो एक सुरक्षा की दृष्टि से। दूसरा, इसमें लीकेज भी नहीं होता है, मतलब इसको अगर आपको नॉर्मल एयर 15 दिन में भरनी है तो नाइट्रोजन नॉर्मली ज़्यादा चलती है, 2 से 3 महीने चलती है, पर आप कहीं और शहरों में जाएं तो नाइट्रोजन भरने के वो 100 रुपये पता नहीं कितने रुपए भी लेते हैं, और मुझे बताया कि हम इस सुविधा को यहाँ पर सभी ग्राहकों को मुफ्त में दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी मुरादाबाद शहर के लिए एक अच्छी चीज़ है, सभी लोग उसको यूज़ करें, सुरक्षित रहें, गाड़ी और ज़्यादा चले, उनका भी बचत हो, हमारे कस्टमर सुरक्षित रहे, उनकी बचत हो, ये हमारा ध्येय। इस मौके पर चीफ मैनेजर SK राजा, CDR SM विनोद पंचपाल, चीफ मैनेजर अंजनी कुमार, सीनियर मैनेजर मधुर द्विवेदी के साथ साथ बड़ी संख्या में इंडियन ऑयल एवं सर्वो ऑयल के ग्राहक एवं कंपनी के सदस्य मौजूद रहे।